पाकिस्तान ने अपना आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज का स्क्वाड है उसको अनाउंस कर दिया। वर्ल्ड कप का बाद के अंदर होगा। इसके अंदर कौन कौन से प्लेयर है मैं आपको बताता हूँ। बाबर आजम कैप्टन है, अबरार अहमद का नाम आया, आजम खान का नाम आ गया, वो फिट हो चुके हैं, उनको टीम में शामिल कर लिया गया है, अपनी जगह भी बना पाए हैं। फकर जमान है, हारिस रऊफ है, हसन अली शॉकिंग है क्योंकि हसन अली की परफॉर्मेंस नहीं थी लेकिन उनको सिलेक्ट कर लिया गया। इसी के साथ साथ इफ्तिकार अहमद है, आपके जिसको कहते हैं इमाद वसीम है, मोहम्मद अब्बास अफरीदी भी अपनी जगह बना चुके हुए हैं, मोहम्मद जिसको कहते हैं रिजवान है, इसी के साथ साथ मोहम्मद आमिर भी टीम के अंदर आ गए हुए हैं, इरफान खान नियाजी की भी जगह बन गई है, नसीम शाह है, साई मयूब है, इसी के साथ साथ सलमान अली आगा भी आ गए, शुएब शदाब खान भी आ गए, शाहीन शाह अफरीदी है और उस्मान खान है। अगर आप इन सब प्लेयर्स को देखिए तो आप जरा शॉक से हो जाएं क्योंकि कल तक कहा जा रहा था कि 4 खिलाड़ी इंजर्ड है, इरफान खान नियाजी, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान और आजम खान, इन चारों का नाम है। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पिछले अगर देखें 2022 से 1000+ रन जिन प्लेयर्स ने किए पूरी दुनिया के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से एक ही बंदा है जो टॉप के ऊपर है, 34वें नंबर के ऊपर आता है, वो है मोहम्मद हारिस, जिसका 149.95 का स्ट्राइक रेट है 1000 रन करने के अंदर। उस बंदे का नाम नहीं है, बाकी सबका नाम है। और पाकिस्तान का पहला वो बंदा इसने फास्टर जिसको कहते हैं ना 1000 रन किए हुए स्ट्राइक रेट के लिहाज से, लेकिन उसका नाम आपको नजर नहीं आ रहा होगा, बाकी सबका नाम नजर आ रहा होगा। और मोहम्मद हारिस T20 का वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी है, उसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया जा रहा है। साई मयूब जिसको इतने मैचेस लगातार मिल गए लेकिन परफॉर्मेंस कुछ नहीं आ रही, उसको फ्री हैंड दिया हुआ, उसको नाम आ रहा है। आजम खान जिसको इतने मैचेस मिल गए उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, उसको फ्री हैंड दिया हुआ है। मोहम्मद हारिस जिस बंदे ने परफॉर्मेंस करके भी दिखाई उसका नाम नहीं आ रहा, 4 महीने से उसको बिला वजह टीम से बाहर किया हुआ है, किसी को नहीं पता कि ऐसा हो तो हो क्यों रहा है। अलबत्ता अगर स्क्वाड को देखें तो अच्छी टीम बनाई हुई है, बॉलिंग भी अच्छी है, स्पिनर्स भी अच्छे हैं, अबरार अहमद का नाम है, लेकिन शॉकिंग चीज ये है कि उसामा मीर का भी नाम नहीं आया हुआ, उसामा मीर को भी सिलेक्ट नहीं किया गया, उसामा मीर भी एक अच्छा ऑप्शन था, उसामा मीर को भी बाहर कर दिया गया है। तो दो शॉकिंग चेंजेस है, एक है मोहम्मद हारिस और दूसरा उसामा मीर। और सबसे ज्यादा शॉकिंग ये था कि हसन अली की भी टीम में जगह बन गई, सलमान अली आगा की भी बन गई, हालांकि इनकी नहीं बननी चाहिए थी क्योंकि इरफान खान नियाजी आपने ले लिया था, सलमान अली आगा को आपको नहीं रखना चाहिए था, हसन अली की जगह किसी और को भी चूज कर सकते थे, मोहम्मद अली को चूज कर सकते, लेकिन ये लोग एक्सपीरियंस की तरफ गए। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। ये पाकिस्तान का स्क्वाड है, अगर आपको अच्छा लगा तो आपने जरूर बताना है, मैं इसको 10 में से पर्सनली कहते हैं ना 7 नंबर दूंगा, आप कितने नंबर देंगे आपने कमेंट्स के अंदर जरूर बताना है।